NHPC नेशनल हाइड्रोलिटिक पावर कॉरपोरेशन, अगर आपका इसमें कोई भी शेयर है ना, तो आपको पहले इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल आपको जानना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर NHPC का एक बार फंडामेंटल चेक कर लेता हूँ। मार्केट कैप सही है, पी रेशियो ए भी सही है, पी भी सही है, डेट टू इक्विटी कोई कर्जा नहीं है, बहुत ही कम है, ROE और EPS और फेस वैल्यू इसका फंडामेंटल ठीक ठाक है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर इसका होल्डिंग्स एक बार देख लेता हूँ। मार्च 2024 का इसका होल्डिंग्स थोड़ा सा डिक्रीज किया प्रोमोटर्स का, मगर जून पे भी सेम ही है। मैं यहाँ पर स्क्रीनर पे आ जाता हूँ इसका होल्डिंग्स देखने के लिए। प्रोमोटर्स FII DII गवर्नमेंट पब्लिक, तो इसके साथ साथ प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है ना, मार्च 2004 पे प्रोमोटर्स का होल्डिंग थोड़ा सा डिक्रीज किया, मगर जून और अगस्त सही है। FII का होल्डिंग्स भी स्ट्रांग है, इसका DII का होल्डिंग 1% डिक्रीज गया, पब्लिक का होल्डिंग गवर्नमेंट का होल्डिंग सही है और पब्लिक का होल्डिंग भी 1% डिक्रीज गया, ठीक है। उसके साथ साथ मैं इस शेयर पे चार्ट पे आ जाता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम में। अगर आपका NHPC में कोई भी शेयर परचेसिंग है ना, तो इसको इस वीडियो को अच्छे से देख लो। स्ट्रांग इसका सपोर्ट लेवल और रेसिस्टेंस लेवल मैं इस वीडियो में इंडिकेट करने का कोशिश करता हूँ। ये जो शेयर है आज का ट्रेडिंग सेशन में दिखाने का कोशिश करता हूँ, एक हैमर कैंडलस्टिक जैसा कैंडल क्रिएट किया। अगर ये कैंडल क्रिएट करता है ना, तो शेयर में एक अपर मूवमेंट होता है। ये जो हैमर आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह का कोई भी हैमर अगर कोई किसी भी शेयर में क्रिएट होता है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में शेयर पे एक अपर मूवमेंट आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर तो इसका एक स्ट्रांग रेसिस्टेंट एरिया है 87। अगर इस स्ट्रांग रेसिस्टेंट लेवल को ये जो शेयर है ब्रेक करके स्टे हो जाता है, आपको कैसे देखना होगा, आपको 1 आवर कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम में देखना होगा। अगर इसको ब्रेक करके स्टे हो जाता है ना, ये जो 87 इसका स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है, इसको ब्रेक करके स्टे हो जाता है, तो शेयर पे एक अपर मूवमेंट आप देख सकते हो। ये जो शेयर है मैं देखने का कोशिश करता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम में। अगर इसको ब्रेक करके एक बार स्टे हो जाता है ना, तो इसमें एक हैवी अपर मूवमेंट आप देख सकते हो और 150 इसी लेवल पे ये शेयर पहुंच जाएगा। उसके साथ साथ देख सकते हो मैं इस शेयर पे एक स्ट्रांग टेल लाइन को ड्रॉ किया। मैं 1 मंथ पे दिखाने का कोशिश करता हूँ, अच्छे से सबको दिखा देगा। अगर ये शेयर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर नीचे आता है ना, तो कितना तक जा सकते हैं मैं देखने का कोशिश करता हूँ। इसका स्ट्रांग एक सपोर्ट लेवल है 80, इसी सपोर्ट लेवल पे ये सपोर्ट लेने के बाद ये अपर जा सकता है। देखो यहाँ पर 80, इस शेयर का फंडामेंटल देख के चार देख के मुझे लग रहा है कि ये जो शेयर है ना 150 इसी जो लेवल है ये लेवल पे पहुंच सकता है विद इन 6 मंथ पे। अगर इस स्ट्रांग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो 80 तक ये शेयर आ सकता है, उसके बाद यहाँ पर एक अपर मूवमेंट होगा और ये पूरी तरह से 150 तक जा सकता है नेक्स्ट 6 मंथ पे। तो देखते हैं नेक्स्ट मंडे को ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर कैसे परफॉर्म करता है। सो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडेज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।